नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ, और आज इस शो में हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो शुरू तो हुआ है राजनीतिक गलियारे से, पहुंच गया है कानूनी गलियारे में, और अब ये कहा जा रहा है कि इसको अदालत में नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया में ही सुलझाना चाहिए, यानी कि संसद में सुलझा लेना चाहिए। जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल वो लंबे समय से देश की जनता, संसद, चुनाव आयोग और न्यायपालिका सबको परेशान कर रहा है। देश में चुनावी राजनीति का दौर शुरू होने के साथ ही ये सवाल खड़ा होने लगा था, और उसके बाद से लगातार हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजनीति में अपराधीकरण और उस पर लगाम की। ये सवाल बड़ा है कि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति या अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक कैसे लगाई जाए। इस दिशा में कभी न्यायपालिका तो कभी संसद और कभी चुनाव आयोग ने फैसले दिए, कानून और नियम बनाए, लेकिन ये गंदगी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको रोकने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव किए गए हैं और नए प्रावधान भी शामिल किए गए। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने कई फैसलों के जरिए कई नियम बनाए। इनमें सजा याफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाना और उम्मीदवारों को हलफनामे के जरिए अपने संपत्ति और अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की जानकारी देना तक शामिल है। लेकिन शायद अब भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसीलिए अब मांग उठी है कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप तय हो जाते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए तब तक उसे अपराधी कैसे माना जा सकता है और नहीं मानना चाहिए, और अगर इस मांग को मान लिया गया तो ये न्यायशास्त्र का उल्लंघन होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये काम तो राजनीतिक दलों को ही करना होगा, ऐसे में अदालत क्यों अपना समय जाया करे। अब इन सब चीजों के संदर्भ में देखा जाए तो ये समझना जरूरी है कि क्या कानून बनाकर इस पर रोक लगाई जा सकती है या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। तो आज चर्चा इंडिया लीगल में इसी बात पर। अदालत में आरोप तय होने के बाद नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस रोक की मांग ऐसे अपराधों के मामले में की गई है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस मांग का विरोध किया और तर्क दिया है कि जब तक किसी को दोषी करार न दे दिया जाए तब तक उसको कैसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। बात वाजिब दिखती है लेकिन इसके कई प्रभाव हैं और कई सिरे भी। एक रिपोर्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले को किस तरह से अदालत की दुनिया में देखा गया है और कैसे तर्क वितर्क इस पर हुए हैं और अब कौन सी राहें निकल सकती हैं, और उसके बाद इस पर खास चर्चा। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने के लिए सभी सरकारें और राजनीतिक दल लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर केंद्र ने आरोप तय हो जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अपनी दलील में कहा है कि ज्यादातर मामलों में आरोपी नेता बरी हो जाते हैं, इसलिए सदस्यता रद्द करने जैसा कोई आदेश ना दिया जाए। इस याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर अपराधों में 5 साल से ज्यादा सजा हो और किसी के खिलाफ आरोप तय हो जाए तो ऐसे व्यक्ति या नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा याचिका में ये मांग भी की गई है कि अगर किसी सांसद या विधायक पर आरोप तय हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया जा सकता है कि वो ऐसे लोगों को टिकट ना दें। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है और उसके खिलाफ रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध में आरोप तय होते हैं तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपराधिक न्याय शास्त्र के मुताबिक
एक व्यक्ति तब तक निर्दोष होता है जब तक उसे दोषी करार ना दिया जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए कोर्ट को इस तरह के आदेश जारी नहीं करने चाहिए। जिरह के दौरान जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सवाल उठाया कि कई मामलों में झूठी शिकायतें पाई जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आरोप मुक्त हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 74% मामलों में लोग बरी हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये एक नीतिगत मामला है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया है और कहा है कि आरोप तय होने के बाद नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 1997 में चुनाव आयोग और 1999 में लॉ कमीशन जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की सिफारिश कर चुके हैं, लेकिन सरकार कानून में बदलाव नहीं कर रही है। न्यायपालिका अक्सर ही राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने के लिए कोशिश करती रही है। 2002 में भारत सरकार बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटरों को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानकारी होनी चाहिए और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो उम्मीदवारों को संपत्ति और देनदारियों के साथ साथ खुद पर चल रहे मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य करें। इस फैसले से काफी हद तक पारदर्शिता आई है। 2005 में रमेश दलाल बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी, साथ ही वो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ये सही है कि कानून बनने और एक तयशुदा सीमा में फैसला होने से राजनीति में अपराधीकरण पर कुछ लगाम लगेगी, लेकिन इस पर प्रभावी ढंग से रोक तभी लग सकेगी जब राजनीतिक दल ही ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देना बंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 पूर्व जस्टिस भंवर सिंह और दूसरे हैं जस्टिस वीके माथुर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और इसके अलावा लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आलोक कुमार सिंह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट IB सिंह। साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और एक बार फिर से स्वागत इंडिया लीगल में। सबसे पहले जस्टिस भंवर सिंह, मेरा सवाल आपसे होगा कि किस तरह से इस पूरे मसले के पेंच को समझा जाए। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ज्यूरिसप्रूडेंस का और रूल ऑफ जस्टिस का ये एक आधार है, नियम है कि किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त व्यक्ति को, अपराधी को तब तक निर्दोष समझा जाए जब तक कि उसके ऊपर ये उसको दोषी करार ना दे दिया जाए। और जितने भी सिविलाइज कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये रूल सब में है। और इनसे भी बढ़िया रूल ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं समझा जा सकता जब तक कि वो फाइनल अदालत से, यानी जो अपेक्स कोर्ट है, वहाँ से उसको दोषी करार ना दे दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। और हम सभी बतौर न्यायिक स्फीयर में रहने के नाते, जजी करने के नाते, ये इस बात के कायल थे भारत के संविधान के मुताबिक कि किसी को दोषी तब तक ना समझा जाए जब तक कि वो वाकई दोषी करार ना दे दिया जाए। मगर यदि हम अपने पिछले सालों की पॉलिटिक्स और दिशा में देखें, जो भारत का सीन रहता है हर इलेक्शन में रहता है, और जस्टिस वेंकट चलैया कमेटी ने, जो कमीशन ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने उनको जो है रिव्यू कमेटी का, कमीशन का चेयरमैन बनाया था, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो हमारे यहाँ आपराधिक तत्वों में लिप्त, आपराधिक मामलों में लिप्त जो पॉलिटिशियंस हैं और उनका बड़ा गहरा संबंध टेररिस्ट से है, उनका बड़ा गहरा नेक्सस पुलिस से है,
और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे बहुत गहरा संबंध है, इस नेक्सस से जुड़े होने के नाते ऐसे आपराधिक गतिविधियों के पॉलिटिशियंस पर रोक लगानी चाहिए। और इस सारे संदर्भ में दो बातें निकल के आ सकती हैं, या तो हम ये कहें कि साहब जो है ज्यूरिसप्रूडेंस का नियम और रूल ऑफ जस्टिस का जो आधार है कि जब तक दोषी ना करार दिया जाए तब तक निर्दोष समझा जाए, और ऐसे सीन में हम जितने भी डॉन हैं, जितने भी आपराधिक गतिविधियों के लोग हैं और वो उनका गहरा संबंध पुलिस से है उनको बर्दाश्त करते रहें, उनकी गतिविधियों को बर्दाश्त करते रहें, या हम उस पर चेक लगाएं। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस उसमें बहुत गहराई तक लिप्त हैं, कोई किसी करप्शन के मामले में है, कोई मर्डर केसेस में है, कोई अन्य तरह के चार्जेस में है, रेप में बहुत लोग हैं, तो उनका ये बहुत अच्छा एक सुझाव है, क्योंकि हमें किसी ना किसी समस्या को इस समस्या को पे को हल करने के लिए लगानी होगी। तो मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि जिसका कन्विक्शन हो गया है उसको तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाए, इलेक्शन भी ना लड़ने दिया जाए, और हीनियस ऑफेंसेस में या मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस में जिसके ऊपर चार्ज भी फ्रेम हो गया है उसको भी इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। बिल्कुल, ये तो तब है जब हम पूरा ट्रायल चला जाए और उसके बाद ये साबित हो जाए। लेकिन जस्टिस माथुर, 1581 क्रिमिनल केसेस 2014 तक के आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो 2014 के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें एक सर्वे के हिसाब से, एक आंकड़े के हिसाब से, इस असेंबली इलेक्शन में 1581 क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर हुए थे। ऐसे लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे, 1581 लोग। अब ऐसे में यदि हम स्थिति को देखें तो, और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं उसके अंदर, तो बिल्कुल ऐसे हम नहीं जा सकते कि जिन पर ट्रायल चल रहा है उनको आप चुनाव लड़ने से रोक दें, या हम जैसा कि जस्टिस भंवर सिंह ने कहा कि यदि साबित हो जाता है, चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और उन पर साबित हो गया, वो जब उनको जेल हो जाती है कम से कम, तब आप ये रोकें। पर उसके अंदर के जिसको बोला जाए पेंच दर पेंच है, इतना आसान भी नहीं है सब कुछ। आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, जिसके लिए के वेणुगोपाल को कहना पड़ा है कि आप अदालत जो है वो दूर रहे, उसकी कोई भूमिका नहीं है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है जी, जुडिशरी का अलग डोमेन है, लेजिस्लेचर का अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूटिव का अलग है। अब ये प्योरली लॉ का एनेक्टमेंट, ये तो प्योरली पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है, पार्लियामेंट का ही डोमेन के अंदर आता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इस मैटर में जो हियरिंग की है उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन में भी उन्होंने ये बात कही है कि हम पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफियर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये रहा कि इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट बॉडी है वो भी चाहता है कि इस तरह का कुछ हो कि जो इनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हो जाए और ऑफेंसेस में 5 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट हो, बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का कुछ प्रोविज़न हो। ये बात आपने जो कही कि 1500 कुछ फिगर है तो ये बात तो सही है, तो फैक्ट है, सब लोग रियलाइज़ करते हैं। बेसिकली देखिए, डेमोक्रेसी जो है वो कोई फ्री गिफ्ट नहीं है जो हम लोग को मिला है। डेमोक्रेसी में एलिजेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होती है और उसकी सेंक्टिटी भी मेंटेन करना हम लोग का काम है जी। बिल्कुल, तो इसलिए इस सिचुएशन में जो बेसिक चीज़ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं जी। ये सजेशन जस्टिस भंवर सिंह साहब का जो है कि जो हीनियस ऑफेंसेज हैं जैसे रेप का हुआ या मर्डर हुए, इस टाइप के चार्जेस हुए, उन मैटर्स में पार्लियामेंट ही एनेक्ट करे। बिल्कुल, और पार्लियामेंट को करना भी चाहिए, लेकिन वहाँ भी फिर एक और ये पेंच जो आपने बताया, पेंच दर पेंच, तो उसमें ये पेंच भी है कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सबको इस चीज़ का एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल, और इलेक्शंस में जब तक इस टाइप के लोग एसोसिएटेड नहीं रहेंगे बिल्कुल तब तक जीत पाना किसी का बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरे से कम्पीट करना क्योंकि उसमें कंपटीशन होता है तो वो भी बहुत टफ प्रपोजिशन हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए मजबूरी हो जाती है, पॉलिटिकल कंपल्शंस हो जाते हैं। जब तक पॉलिटिकल लेवल पर कोई डिसीजन लेके पार्लियामेंट इसको एनेक्टमेंट ना करे तब तक मुश्किल है, लेकिन मीनवाइल ऐसा कुछ किया जा सकता है जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना
या कोई कोड इलेक्शन कमीशन बनाए जिसमें पार्टीज को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो इस टाइप के जितने डिक्लेरेशंस होते हैं इलेक्शन से पहले टिकट जो उनके मिलेंगे उनसे पहले ये एग्जामिन कर लें कि कोई अगर हीनियस उसके अंदर है तो मॉरल उनके ऊपर बाइंडिंग हो कि वो टिकट वो ना करें। इस टाइप के डायरेक्शंस और सजेशंस इलेक्शन कमीशन पार्टीज को जारी कर सकता है। बिल्कुल, तो उससे कम से कम कुछ थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा 19-20 का ही पड़ेगा, लेकिन माइनर से फर्क पड़ेगा। लेकिन बेसिकली बात जो है वो यही है कि जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एनेक्ट करने में मुश्किल। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस तरह से टिथलेस है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये सुझाव भी कहीं कोई मान पाएगा। लेकिन आई बी सिंह जी को ले लेती हूँ। आई बी सिंह जी, आपने तमाम ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें कई बाहुबली, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो शायद सबसे ज्यादा बाहुबलियों की संख्या है इस प्रदेश में, बाहुबली नेताओं की। देखा जाए तो ये आदर्श रूप में बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन पर भी आरोप लगा है, जो भी इस तरह के हीनियस क्राइम में शामिल हों या फिर अलग अलग तरह के क्राइम में शामिल हों, जो अपराधी हो गए हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। लेकिन जो प्रायोगिक, जिसको कहा जाए रियलिस्टिक दिखते हैं, वो क्या हैं? एक वकील के तौर पर आप वो क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पे यहां पर ये बहुत गंभीर समस्या है जी। यहां पर जितने भी बाहुबली हैं वो समाज में एक रॉबिनहुड की तरह अपना एक इमेज बना लेते हैं और जनता किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा उन पर विश्वास करने लगती है और इसके कारण वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते चले जाते हैं जी। आज भी हमारे ही बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनके ऊपर 20 मुकदमे चल रहे हैं और वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं और असेंबली में भी बैठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस समस्या का निदान जुडिशियल लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक लेजिस्लेशन बना सकती है? ये मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कोई सुझाव दे सकती जिसको गवर्नमेंट या पार्लियामेंट विचार करे। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन भी संविधान से बंधी हुई है। बिल्कुल, अगर संविधान और कानून में यह प्राविधान नहीं है तो इलेक्शन कमीशन भी बाहर निकल करके कोई अपना नियम नहीं बना सकती है कि किसी का कैंडिडेचर इस आधार पर कैंसिल कर दिया जाए कि उसके ऊपर आपराधिक के मामले में चार्ज बन गया है जी। तो मैं समझता हूं कि इसको पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। समस्या गंभीर है, पार्लियामेंट को इसको उठाना चाहिए और इस समस्या का निदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जस्टिस आलोक सिंह के पास सवाल है कि चलो जस्टिस आलोक सिंह जी, आप किस तरह से ले रहे हैं इसको? क्या पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए या फिर अदालत जिस तरह से इसमें एक्टिव हो रही है, जिस तरह से उसने आगे बढ़कर इस पर कुछ करने को सोचा है, अदालत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए? हालांकि के वेणुगोपाल ने साफ कहा है कि आप अपने दायरे में रहें, क्या अदालत अपना दायरे को आगे बढ़ा रही है या दूसरे के दायरे में घुसने की कोशिश कर रही है? आप इसको ऐसे भी देखते हैं? देखिए, मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमारा प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता में है। तो देश में एक दायित्व तो बनता है कि विधिहंता जो है वो विधि निर्माता न बन जाए। इसीलिए देश काल और परिस्थिति देखते हुए इस परिप्रेक्ष्य में हमको इसका तरीका निकालना पड़ेगा। और वो मेरे दृष्टिकोण से तो यह है, जैसे अभी भंवर सिंह साहब कह रहे थे ब्राजील, तो ब्राजील में 25 साल नहीं लगते होंगे, यहां 25 साल लग जाते हैं केस तय होने में। अच्छा, जुरिस्प्रूडेंस की बात जो कही गई श्री भंवर सिंह साहब द्वारा, तो अपराधी का यहां अपराधी को जेल नहीं भेजना है। अगर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, चार्ज लग जाता है, तो मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि उसको रोक देना चाहिए चुनाव लड़ने से। 25% कन्विक्शन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया कि 25% कन्विक्शन होता। अच्छा, दूसरा बात, जैसे श्री आरबी सिंह साहब ने कहा हमारे देश में हीरो वर्शिप होती है, ये सही है। इवन डाकू मान सिंह को भी माला पहनाते थे लोग जी, तो हमें बीच का हम मेरे दृष्टिकोण से जी मेरे दृष्टिकोण से ये जो 5 साल से ऊपर सजा जिसमें हो सकती है, वो चाहे कंप्लेन केस हो चाहे पुलिस चलानी केस हो, उसमें तीन आधार हैं। एक नैतिक दृष्टिकोण है कि जिसके माथे पे कलंक लग गया, प्रथम दृष्टया केस बनता है तभी चार्ज बनाया जाता है। तो जब प्रथम दृष्टया एविडेंस है तो उसको
रोक देना चाहिए, उसको इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए। दूसरा यह है व्यवहारिक दृष्टिकोण, अगर चार्ज लगाने के बाद ट्रायल होता रहा तो ट्रायल में एविडेंस होगा, गवाह पेश होंगे, 313 का बयान अक्यूज का होगा, फिर डिफेंस होगा, फिर आर्ग्यूमेंट्स होगा, इन सब के लिए उसको एमपी को, एमएलए को, मिनिस्टर को कोर्ट में जाना पड़ेगा, और वो जाएगा नहीं क्योंकि कोर्ट अटेंड करेगा या कि अपने हाउस अटेंड करेगा, तो इससे तो केस कई सालों चलता रहेगा। इसके उलट अगर आप चार्ज के लगाने के बाद ही रोक देते हैं तो वो जल्दी जल्दी केस अपना तय कराना चाहेगा तो एक समस्या ये भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा आप यूं देखिए कि आज मैं अगर आग में हाथ डालता हूं और मुझे पता है कि मैं जलूंगा 10 साल बाद, आग में हाथ डालते ही नहीं जलूंगा, 10 साल बाद जलूंगा, तो फिर ऐसे तो ये आपराधिक इतिहास चलता रहेगा और होता रहेगा। इसलिए मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि ये 5 साल वाला सुझाव बहुत सही है, इसमें उनको रोक देना चाहिए। बिल्कुल जी। जी लेकिन एक इस सवाल से कई और इस सुझाव से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे आलोक सिंह उसको लेके एसआई कुरैशी के पास जाना चाहूंगी। कुरैशी साहब, आपसे ये जानूंगी जरूर कि क्या आपको लगता है कि वाकई इस पूरे मसले का हल कानून बनाकर निकालना चाहिए या फिर इसका कोई और हल भी हो सकता है, मसलन फास्ट ट्रैक कोर्ट तय समय सीमा में मुकदमों को निपटारा कर दे और इस तरह का कोई कानून, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव रूट हो सकता है क्या? जी हाँ, इसका अल्टरनेटिव रूट ही हो सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। नाउ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे भी डिबेट साल साल से होते रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इलेक्शन पिटीशन के लिए भी प्लान किए गए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन का फैसला होगा, लेकिन 5-5 साल तक फैसला नहीं होता, पूरे विधानसभा और पार्लियामेंट की टर्म खत्म हो जाती है और फैसला नहीं होता। फिर भी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक जजमेंट दी थी कि इस किस्म के नेताओं के जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करके 1 साल के अंदर अंदर हर कोर्ट फैसला करे, और जो कोर्ट ये साल भर में डिस्पोज ऑफ ऐसे केसेस को नहीं कर पाती है वो अपने चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के रिपोर्ट करे और उसके कारण बताए कि भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फौरन बाद उसके 2014 में, 2014 का के जजमेंट है शायद ये, जी हाँ 2014, तो गवर्नमेंट ने फौरन जून 2014 में फौरन ये ऑर्डर जारी कर दिया स्टेट्स को कि भाई इस जजमेंट की पालने के लिए जो जो कदम उठाने, जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप दें ताकि इसको कार्यान्वित किया जा सके। 4 साल के करीब हो गए, हमें नहीं मालूम कि उसका कुछ फ़ायदा हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुछ फास्ट ट्रैक जजमेंट की कि नहीं की, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं की, उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं दिया, ये अब जानने की जरूरत है। हमने कुछ सुना तो नहीं। बिल्कुल, और यही बात, इसी बात पर हम बहस भी कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें पहले भी की हैं कुरैशी साहब, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला आया और उसमें मांग की गई है कि अगर किसी के खिलाफ आरोप तय हो जाते हैं तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए, और हमारा पैनल भी कमोबेश इसके लिए तैयार है कि हाँ यदि आरोप तय हो जाते हैं और हीनियस क्राइम है तो इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस मांग को लेकर? जी जी हाँ, जो मैं बताया था कि इलेक्शन कमीशन की जो फॉर्मुलेशन थी दो कोई 20 साल थे उसमें ये भी शामिल है कि उसमें पहला तो ये था सेफगार्ड कि छोटे मोटे केसेस, पॉलिटिकल केसेस को छोड़ दीजिए, लेकिन जो गंभीर अपराध हैं, हीनस ऑफेंसेस हैं, उनके अपराधियों को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। दूसरा ये था कि कम से कम 6 महीने पहले ये केस दर्ज होना चाहिए, और तीसरा ये था कि कोर्ट ऑफ लॉ जो अप्रोप्रिएट जो सेशन कोर्ट है मिनिमम, उसने इसके जो चार्जेस हैं वो फ्रेम कर चुकने चाहिए। नाउ कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करेगी कुछ तो जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता ही है। मैं इस पे बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये चार्जेस फ्रेम करना तो विदाउट जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, ये कई जजेस ने कहा कि ऐसा नहीं है। कितने केसेस ऐसे होते हैं उसी स्टेज पे तो केस भी डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट प्रायमा फेसी एविडेंस के बेसिस पर ये इस नतीजे पहुंचती है कि हाँ इस केस में दम है कि इसको आगे चलाया जाए, इसलिए केसेस फ्रेम होते हैं।
मुझे एक एक दो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने बताया कि उनके पास कितने केसेस आते हैं कि चार्जेस जो फ्रेम किए गए उसको चैलेंज करने के लिए, तो चार्जेस के वक्त भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हालांकि प्राइम ऑफेंसी ही होता है उस स्टेज पे, लेकिन हो चुका होता है। ये तीन सेफ गार्ड अगर के इसलिए दिए गए कि विंडिक्टिवनेस वाले केस या पॉलिटिकल रीजंस के वाले केसों को इसमें से एलिमिनेट किया जा सके, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे सेफ गार्ड है। लॉ कमीशन ने भी 3-4 साल पहले इसके ऊपर एक बैठक की थी, पूरे दिन की उसमें हियरिंग हुई थी और उनकी रिपोर्ट में भी यह था कि इसको गौर करने की जरूरत है। अब उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो शायद रिजर्व हो गया है उसमें एक अच्छा फैसला आ जाए। जस्टिस भंवर सिंह, जो वाई ए कुरैशी साहब ने बताया उसमें कई पेंच हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सेफ गार्ड्स बहुत सारे हैं, अब अगर हम आगे बढ़ते और हम कहते हैं कि हम हीनियस क्राइम जिसने भी किया उसको रोक देते हैं, उसे भी तो वो सारे सेफ गार्ड्स मिलेंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ट्रायल इतने वक्त लगता है उसी को वहां तक पहुंचने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि तब तक तो वो कितनी बार चुनाव लड़ चुका होगा, किस तरह से इसको फिर हम रोक इसमें इस बात इस मुद्दे को डिस्कस करने से पहले दो पहलू और हैं जो हमारी सोसाइटी में व्याप्त हैं। नंबर एक, फॉल्स इम्प्लीकेशन, किसी भी पॉलिटिकल नेता से जरा सी राइवलरी हुई तो उसको झूठा भी मुकदमों में फंसाया जाता है, हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। और दूसरी ओर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो जनरल है, पुलिस है, स्पेशल टास्क फोर्स हैं, CBI हैं, बहुत सारे हैं, उसमें भी ज़्यादातर जो है अंडर प्रेशर, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे बायस एंड प्रेजुडिसेस हो, कुछ भी हो, वो झूठी चार्जशीट भी लगाई जाती हैं। फिर झूठी चार्जशीट एक बार आ गई तो झूठा चार्ज भी होता है। हमें इन चीज़ों का भी सोल्यूशन सोचना होगा कि यदि फॉल्स इम्प्लीकेशन है या फॉल्स प्रोजिक्यूशन है तो ऐसे लोगों को जिन्होंने फॉल्स प्रोजिक्यूशन किया, झूठी FIR लिखाई और झूठी पुलिस ने जो है चार्जशीट लगाई, प्रेजुडिस होके लगाई, अंडर प्रेशर लगाई, उनको भी कुछ ना कुछ जुर्माना या उनको ऊपर जो है कोई मानहानि के केस, फॉल्स प्रोजिक्यूशन के केस होते ही हैं। तो ऐसी भी एक न्यायिक व्यवस्था हमें बनानी होगी कि जो कोर्ट ये फाइनल जजमेंट देती है, चाहे कन्विक्शन का दे, जब एक्विटल होता है, एक्विटल क्यों ज्यादा होता है, क्यों 75% एक्विटल है या 76% है, दो कारणों से। नंबर एक, जो बाहुबली लोग हैं वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, प्रलोभन देते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर्स की, उनको तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो उनकी संरक्षा होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, और दूसरा ये भी है कि उनको जो है फॉल्स इम्प्लीकेशन के, ये दोनों पहलू साइमल्टेनियसली हमें डील करने होंगे और उनका रिजोल्यूशन भी करना होगा। तो ऐसे लोगों को कि जो गलत तरीके से किसी का प्रोजिक्यूशन करते हों, गलत FIR लिखाते हों, या पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज गलत और अंडर प्रेशर में आके चार्जशीट लगाती हूँ, तो उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वही अदालतें जो फाइनल एक्विटल का जजमेंट देती हैं या फाइनल कन्विक्शन का जजमेंट देती हैं, उन्हीं को ये होल्ड करना होगा कि ये फॉल्स प्रोजिक्यूशन था या ये गलत चार्जशीट लगाई हुई और उनके ऊपर। अब मैं आपकी इस बात पे आता हूँ कि क्या ऐसी कार्रवाई की जा सकती है या क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये बात अपनी जगह सही है कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है कि जो है वो कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स कानून तो नहीं बना सकते हैं, मगर सारे न्यायविदों की पुरानी हिस्ट्री उठा के देखिए, इवन सालमन, डाइसी, ब्लैकस्टोन, सब ने ये कहा है कि यदि कोई गवर्नमेंट या कोई लेजिस्लेचर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है, यदि वो कानून नहीं बनाती है, क्योंकि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें भी जो है उनके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ द MLAs वो भी कानून में इसमें आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके लोग भी जीत के आते हैं और बाहुबली होने के नाते जीतते हैं।
तो कानून तो उन्हीं को बनाना होगा जी बिल्कुल, और यदि नहीं बनाते हैं तो फिर अदालतें निर्देश तो कर अदालतें सकती हैं। बिल्कुल निर्देश करेंगे बिल्कुल, और करना चाहिए जी। और जजेस मेड लॉ जो है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है बिल्कुल। यदि गवर्नमेंट किसी अपने दायित्व में फेल होती है जी तो वो जुडिशरी को आगे आना बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यही सवाल है कि क्या वाकई सरकारें फेल हो गई हैं और अब अदालतों को ये काम करना पड़ेगा या फिर इसके और भी रास्ते हैं, जैसे गुप्ता ने बताया एक इलेक्शन कमीशन भी एक रास्ता है, उधर से भी कोई डायरेक्शन आना चाहिए। इसके अलावा जो पैनलिस्ट का एक विचार है कि समाज के अंदर से भी बहुत कुछ बदला जा सकता है और वहां पर भी परिवर्तन की जरूरत है। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस शो में अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से सामाजिक तौर पर भी हम हल कर सकते हैं और साथ ही अदालत यदि इस समस्या को हल करेगी तो उसके पास सबसे मुफीद उपाय क्या होगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया लीगल में और अब इस पूरे अहम मसले को हम इसका एक सामाजिक परिदृश्य भी समझने की कोशिश करेंगे और सीधे आईबी सिंह जी के पास आपको ले चलती हूँ। आईबी सिंह जी, इसको वाकई यदि हम बहुत एक तरह से देखा जाए तो भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखें, जो हालात हैं उसको ध्यान में रखें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मोरालिटी का मसला ज्यादा है अदालती से ज्यादा, इसको नैतिकता के आधार पर तौले जाने की कोशिश करनी चाहिए? जी, ये तो बहुत ही जरूरी है और खास तौर से उन पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझना पड़ेगा जो ऐसे क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं जी। कि उनको अगर उनको किसी तरह से रोका जाए कि साहब आप क्रिमिनल्स को टिकट मत दीजिए, इसके ऊपर जहां पॉलिटिकल पार्टीज के रिकॉग्निशन जहां पर होते हैं वहां चेक लगाया जाए। अब आज के दिन में आप देखिए तो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे क्रिमिनल इलेक्शन लड़ते हैं और उनका नाम उस पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व ही उन्हीं वजह से हो गया है बिल्कुल। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज पे भी रोक लगाने की जरूरत है और समाज में भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि ये जो रॉबिन हुड बने हुए हैं ये रॉबिन हुड बनने लायक नहीं है बिल्कुल। इनको हम रिजेक्ट करके ऐसे पॉलिटिकल पर्संस को हम जिता सकते हैं जो समाज में और जनता के बीच में काम करते हैं बिल्कुल। जस्टिस आलोक सिंह, आपको इसके आगे आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि यदि हम सामाजिक, जिसको कहा जाए कि एक सामाजिक जागरूकता की यदि बात करें और पॉलिटिकल पार्टीज पर लगाम लगाने की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की ओर हमारी नजर चली जाती है और यदि इलेक्शन कमीशन जिस देश में सीईसी का चुनाव रिकमेंडेशन पर होता हो, जजेज का चुनाव तो कॉलेजियम से होता है, सीबीआई चीफ तक का चुनाव कॉलेजियम से होता है, लेकिन सीईसी जैसा संवैधानिक पद जो बेहद अहम है उसका चुनाव महज रिकमेंडेशन पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो दंतहीन सा, टिथलेस सा हो जाता है। ऐसे में आखिर ये पॉलिटिकल पार्टीज कितना सुनेंगी? हर बार चुनाव होता है, हजारों की संख्या में शिकायतें रहती हैं लेकिन फिर उनका कुछ नहीं हो पाता। ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग को ज्यादा पावर देने की जरूरत है, तब शायद ये पॉलिटिकल पार्टीज माने, या महज अदालत के दरवाजे पर इस मसले को रखना चाहिए? जी, चुनाव आयोग के पास जो शक्तियां हैं, अभी जो शक्तियां हैं उन्हीं के अंतर्गत एक काम तो ये हो सकता है कि जो जिनका आपराधिक इतिहास है ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट, जैसे वो 100 लोगों में अगर 10 लोग भी ऐसे हैं तो उनके नाम के साथ उनका आपराधिक इतिहास अंकित हो और उसको पब्लिसाइज किया जाए, उस क्षेत्र में या उस राज्य में जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, उसमें पब्लिसाइज करे इलेक्शन कमीशन कि ये इन इन लोगों के खिलाफ यही आपराधिक इतिहास है, उससे उनका मनोबल टूटेगा। जैसे कि मैंने कभी एक पेपर में पढ़ा कहीं कि वो नगर पालिका के ड्यूज या हाउस रेंट के बहुत ज्यादा ड्यूज या जो बिजली के बिल ज्यादा 50,000 1,00,000 से ऊपर है उन सब की लिस्ट वो पब्लिसाइज कर रहे थे जी। तो इस अगर ऐसा कुछ प्रयास किया जाए तो वो पब्लिक में भी अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी और जो पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ऐसे लोगों को बाहुबली नहीं मानेंगे, फिर उनका मनोबल बाहुबलियों का भी टूट जाएगा और उससे थोड़ी जागरूकता लोगों में आएगी कि इनका इतना आपराधिक इतिहास है। क्योंकि होता क्या है कि जब नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में दे दिया, सब दे दिया, लेकिन उसकी जानकारी वो लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं चीजों को, तो वो अगर पब्लिसाइज होता रहेगा तो शायद उससे कुछ अवेकनिंग आए।
बिल्कुल लेकिन मेरा ये निश्चित मत है जी कि चार्ज लगने के बाद वाला जो प्रपोजल है इलेक्शन कमीशन का भी है सुझाव और ये कई लोगों ने भी कहा है तो उसमें ध्यान उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चार्ज लगने के बाद जैसा मैंने पहले कहा कि वो तो फिर वो मुकदमा तो 15-20 साल टालने में टलवाने में कोई दिक्कत ही नहीं है तो इसलिए होना ये चाहिए कि निप इन द बड और नैतिकता जो है हमेशा ऊपर से अवतरित होती है परकोलेट होती है ऊपर से लेकिन आज हमारे शायद नेताओं में सब में मैं सबकी बात नहीं कहता लेकिन अधिकांश में वो बात नहीं है कि एक जरा से कहीं डायरी में नाम आ गया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या कहीं कुछ छोटी दुर्घटना हो गई तो रिजाइन कर दिया तो ऐसे में हमको देश काल और परिस्थिति देखते हुए ये थोड़ा सख्त कदम भी हो तो लेकिन ये उठाना चाहिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन होगा वो बात ठीक है अपनी जगह लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर ऑब्जर्व भी कर देगा तो ये बात एक प्रभावशाली बात होगी एक प्रभाव लाएगी बिल्कुल जस्टिस माथुर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कम से कम कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जिसमें हम कड़े होते दिखें हालांकि नैतिकता की बात हमने कही नैतिकता जिस तरह से पतन हुआ है वो भी हमारे सामने है और दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन फिर भी हम निराश होकर तो नहीं बैठ सकते लेकिन आखिर इससे क्या छोटी छोटी चीजें करने से नब्ज पकड़ में आएगी या फिर अब एक एक जिसको बोला जाए कि 100 सोनार के देने के बजाय एक लुहार के देना एक बड़ा हथौड़ा मारना ज्यादा जरूरी है नहीं फर्क तो पड़ेगा डेफिनेटली कुछ अगर ऐसे मेजर्स लिए जाएं इसमें तो कोई डाउट नहीं है लेकिन एक फॉर्मर सीईसी साहब ने जो बात कही कुरैशी साहब ने बहुत क्लियर तो नहीं मैं उसको समझ सका लेकिन फिर भी इतना बात उसमें थी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ है पावर्स के वो कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं इस बारे में कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट ना देंगे इसके बारे में कुछ कर सकते हैं कह सकते हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें मेरा तो व्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उसका बिल्कुल डिफरेंट वो है सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेट नहीं कर सकती तो नॉर्मल कोर्स में तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा डेविएट करेगी बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोप्रिएट समझेगी उसके हिसाब से कर सकती है लेकिन इस मैटर में अगर डायरेक्शंस कुछ इलेक्शन कमीशन को अगर इस टाइप के हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को कुछ उसकी अथॉरिटी भी मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन उसको विलिंग भी है तो इलेक्शन कमीशन इसको पार्टीज को डायरेक्ट कर सकता है कि अकॉर्डिंगली कि उनको टिकट ना दिए जाए ऐसे लोगों को दूसरा इसके साथ साथ जैसे अब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आई अभी तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो कि करने पड़ेंगे उनमें एक तो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का है जो इफेक्टिव नहीं है जितना कहा गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है उसके बावजूद भी इसके हिसाब से डिस्पोजल नहीं हो रहा और ये भी राइटली उन्होंने कहा कुरैशी साहब ने कि जैसे इलेक्शन पिटीशंस के लिए है कि वो विद इन 6 मंथ्स डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए तो 6 मंथ्स के अंदर कोई नहीं 5-5 साल पूरा टर्म खत्म हो जाते हैं उसके बाद तक वो ऐसी पेंडिंग रहती है और डिस्पोजल उनका नहीं हो पाता तो वो जो टाइम लाइन है जो टाइम का वो उनके लिए फिक्स है पीरियड वो उसको एडियर करना कोई ऐसा वो नहीं है कि वो उनके अगेंस्ट नहीं करें तो कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दें वो भी कोई दिया भी नहीं गया जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी तो इसलिए फिर ये जरा सा वो इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिफॉर्म होना के लिए मैं कह रहा हूँ उसमें जैसे ये कि इलेक्शंस हुए किसी को 20% टोटल वोट्स के मिले किसी को 25% वोट्स मिले तो प्लूरेलिटी के बेसिस पर वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है जबकि इसको अमेंड करके ऐसा कुछ करना चाहिए इलेक्शन लॉज में कि मेजोरिटी से जो जीते वही उसको विनर डिक्लेयर किया जाए ये रिफॉर्म जरूरी है तो इसी में बहुत से लोग ऐसे दबंग लोग जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं जेल भी जा चुके हैं सब कुछ जा चुके हैं उसके बावजूद भी कन्विक्शन नहीं हुआ ये कुछ नहीं हुआ और वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी उन्होंने फॉर्म कर ली बिहार में इंस्टांसेस हैं यूपी में भी कुछ होंगे महाराष्ट्र में भी समझेंगे और उनके पार्टी बनाने के बाद वो लेते हैं और 20% या 30% मिले और उसके बाद बाकी वोट्स डिवाइड हो गए और वो इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिए गए तो ये चीज भी है ना जो उसको क्लियर करना चाहिए मेजोरिटी वाला होना चाहिए प्लुरैलिटी के बेसिस पर ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल है और एक अच्छा सुझाव है लेकिन कुरैशी साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जिसको कहा जाए कि आज की तारीख में हम समझने की कोशिश करें तो शायद सबसे बड़ी बड़ी बीमारी हमारे प्रजातंत्र की यही है कि हमारी राजनीति का हमारे लोकतंत्र का अपराधीकरण हो रहा है और ऐसे में आप क्या देखते हैं अगर सीधे सीधे मैं समझूं कि कौन कौन से उपाय आपके दिमाग में तुरंत आता है सबसे बड़ा रिफॉर्म जो मैं चाहूंगा कि होना चाहिए और अगर सिर्फ एक रिफॉर्म होना चाहिए
वो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो सुधरना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा कहना यह है कि दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन है हमारी इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो सबसे डिफेक्टिव है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे लगा देती है, मैं भी उसी तरह लगाया गया था, मैं उसको डिफेक्टिव सिस्टम ही मानता हूँ। जबकि हिंदुस्तान में कोलिजियम सिस्टम तो प्रचलित है, उसको तो हम जानते हैं, उसको तो इस्तेमाल हम करते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट कोलिजियम की रिकमेंडेशन पे होता है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उनका चुनाव कोलिजियम के थ्रू होता है। सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनका चुनाव उनका सिलेक्शन इससे होता है कोलिजियम के जरिए, हालांकि ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी नहीं है। और तो और डायरेक्टर सीबीआई वो तो किसी किस्म की बॉडी भी नहीं है, वो तो एक हेड ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए कोलिजियम है। उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं फैसला करने के लिए कि किसको डायरेक्टर सीबीआई लगाएं। क्या है डायरेक्टर सीबीआई में ऐसी खास बात की, उसके लिए तो कोलिजियम है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, उसको जिसको चाहे गवर्नमेंट लगा देती है। उसका नतीजा क्या होता है कि अपोजिशन पार्टीज ऐसे अपॉइंटमेंट के ऊपर उंगली उठा लेती हैं, उठा सकती हैं, वो हर हर डिसीजन को सस्पिशन से देखती हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार का मंजूर नजर है, उन्होंने इसको लगा है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी ज्यादती है। कितना भी फेयर कोई डिसीजन ले उसके ऊपर उंगली उठने का स्कोप रहता है। बिल्कुल, जस्टिस बाबर सिंह एक बहुत अहम बात कही है जस्टिस कुरैशी साहब ने और जस्टिस माथुर ने, जो कहा कि कई तरह के परिवर्तन की जरूरत, कई तरह के सुधार की जरूरत है जी। और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ी नजर, चूंकि चुनाव की बात होती है तो इलेक्शन कमीशन की ओर उठी जाती है। आपको लगता है कि अभी सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के ही अंदर बहुत कुछ बदलने या उन्हें अधिकार देने की जरूरत है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? यहीं पर एक सवाल मेरा ये भी होगा कि नोटा भी क्या एक अहम कदम साबित हो सकता है? जैसे अभी हम जाते हैं, हमें वोट करना है, हम नोटा दबा देते हैं, पर नोटा विथ रीजन अगर आ जाए कि हमने इस सो एंड सो को वोट क्यों नहीं दिया है, तो वो भी एक मोरालिटी को डाउन करने के लिए, एक ऐसे अपराधियों के जो मोरल है उनको नीचे करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पहले सवाल का जो कुरैशी साहब ने कहा है बहुत ही सही कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है और केवल जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका डिसीजन फाइनल होता है, मींस प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल होता है। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वो ऐसे सारे अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी संबंधों की वजह से होता है, भले ही संबंध अच्छे हों, कोई मेरे कहने का कोई ये मतलब नहीं है कि कोई गलत संबंध, गलत रिलेशनशिप हो, कोई करप्ट रिलेशनशिप, कुछ नहीं। एक लीनिंग भी कोई चीज़ होती है। यदि मैं ये मानता हूँ कि भाई पीएम होने के नाते कि ये आदमी जो है मेरे फेवर की कुछ बात कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं को अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर देता हूँ। तो ये बात सही है कि उसमें उसका भी एक कॉलेजियम होना चाहिए ताकि उसमें वही आदमी पिकअप किया जाए जो बहुत ही न्यूट्रल हो, जिसका साफ सुथरा पिछला कैरेक्टर करियर हो और जिसकी कोई लीनिंग ना हो, वो टीएन सेशन की तरह दबंग भी हो। भले ही टीएन सेशन का जो है प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट किया था, मगर उन्होंने अपना जो एक न्यूट्रल कैरेक्टर था वो दिखाया और उन्होंने बहुत सुधार किए क्योंकि वो दबंग थे, वो कर सकते थे। तो इसलिए जो है मैं ये कुरैशी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि इसका कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए जिसमें पक्के तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, उनका नॉमिनी हो और प्राइम मिनिस्टर भी हो, लॉ मिनिस्टर भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो, एक अच्छा बड़ा कॉलेजियम होना चाहिए ताकि जो है एक अच्छे आदमियों को इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जा सके। और जो नोटा की बात आपने कही है
वो बहुत अच्छी बात कही है कि नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव, और ये वोटर्स को अख्तियार होना चाहिए कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते. और रीजनिंग अगर हो जाएगी, रीजन ये लिख दिया कि भाई इनकी जो है इनका करेक्टर खराब है या इनके आपराधिक इनकी छवि है, अगर ऐसे कुछ रीजन का कोई उसमें कॉलम बना दिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. उससे वाकई डिमोलाइज्ड होंगे और ऐसे लोगों को जो है जरूर जो है डिस्करेजमेंट मिलेगा. मैं एक इनके साथ आपके साथ दो तीन बातें और संक्षेप में कहना चाहूँगा कि एक तो जो वोटिंग है हमारे यहाँ, वोटिंग कंपलसरी नहीं है. और क्या होता है कि जो जो अच्छे परिवार के लोग हैं या एफ्लुएंट हैं वो एसी से बाहर जाना नहीं चाहते हैं तो वो तो कभी वोट डालने जाते नहीं. केवल बाहुबलियों के जो दबाव में रहते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में रहते हैं या बेचारे थोड़े से तबका जो है दबे हुए हैं और या बाहुबली उनको पैसा देते हैं, ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. मुझे लखनऊ में याद है एक पार्लियामेंटेरियन चुनाव लड़े थे तो उन्होंने टिफिन कैरियर पहुंचवाए थे सबको, बहुत सारे घरों में हजारों की तादाद में टिफिन कैरियर भर के पहुंचवाए. ये वहां आम एक शोहरत थी, ये नहीं मालूम कि वाकई उसमें कुछ सच्चाई, मगर वो था. और लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि उसमें कुछ रखा भी हुआ था, क्या रखा हुआ था ये भगवान जाने, बट दिस हैज रियली हैपेंड. तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए वोटिंग कंपल्सरी करना होना चाहिए. बिल्कुल 100% वोटिंग होगा, बिल्कुल मस्ट है. दूसरी बात माथुर साहब ने बहुत अच्छी की कि महज मेजोरिटी वोट पा गए कि किसी को पार्लियामेंटेरियन को 3 लाख मिल गए, एक को 3,15,000 मिल गए, एक को 3,50,000 मिल गए और वो मेजोरिटी के आधार पे हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल केवल ऐसे लोगों का जो है हमारे यहाँ बदलाव होना चाहिए कि जिसको 51% वोट मिलेंगे, 51% ऑफ द टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड, दैट शुड बी द क्राइटेरिया. वो जिसको 51% ऑफ द टोटल वोट्स रजिस्टर्ड होंगे, टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड होंगे, केवल वही आदमी इलेक्ट होगा. जी. और तीसरी बात जो है वो ये भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिकॉल का हक होना चाहिए कि वो जो है रिकॉल करें अपने कैंडिडेट को. आज हमने एक एमपी को जो है चुन के भेजा और अगर उस पर कोई कभी, कभी उन्होंने कोई जनता के हित की बात ही नहीं, यानी नोटा के अलावा वापस बुलाने का भी, बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए. जी बिल्कुल. आईबी सिंह जी, यहाँ पर एक आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि जो जस्टिस भंवर सिंह ने बात कही कि एक जमाना था जब टिफिन बांटा गया, आज भी यदि हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो घोषणा पत्र आते हैं वो घोषणा पत्र कम, ऐसा लगता है रिश्वत पत्र ज्यादा हैं, जहां टीवी के नाम पर वोट डाल दिया जाता है, जहां पर ये कहा जाता है कि आपको हम फ्री थाली देंगे और आप चावल देंगे. इस देश में इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है. अब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी तरह से इस अपराधीकरण को तो कम से कम खत्म नहीं करने देना चाहती? ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज पर सबसे ज्यादा लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके डूज डोंट्स बनाना जरूरी है, किस तरह के लोग पार्टी बना पाएंगे, किस तरह के लोग नहीं बना सकते हैं, ये सब कुछ भी अब तय करना होगा? जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है. मैं दो बातें और कहना चाहता हूं बहुत संक्षेप में. जी. एक तो जो हम लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करने की बात कर रहे हैं तो हमारा डेमोक्रेसी वर्ल्ड का स्ट्रांगेस्ट डेमोक्रेसी है. और हमारे सौभाग्य है कि अभी तक हमारे इलेक्शन कमीशन पे कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई. लेकिन अब हमें जरूरत यह है कि हम 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स से लेकर के एक कोर्स लगाएं कि हमको वोटिंग कैसे देनी चाहिए, किन लोगों को देनी चाहिए, यह एक विषय बनाया जाए. जी. और दूसरा यह है कि यह जो कंपलसरी वोटिंग की बात कर रहे थे वो बहुत आवश्यक है. होता यह है कि जिस दिन पोलिंग होती है हमारे देश में छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है. ये छुट्टी नहीं होना चाहिए. जैसे 15 अगस्त को 26 जनवरी को ऑफिस जाकर झंडारोहण में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, उसी तरह से अगर छुट्टी होती है तो वहां पर उन लोगों को वोट डालने जाना जरूरी है और उनको दिखाना चाहिए कि हम वोट डालने गए थे. तो इससे वोटिंग की संख्या बढ़ेगी. जी.
पॉलिटिकल पार्टीज पर तो चेक लगाने की जरूरत है ही है। बिल्कुल जस्टिस सिंह आपके पास आऊंगी। जस्टिस आलोक सिंह अब बिल्कुल हम अंतिम दौर में एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी सर कि रूट कॉज पर काम करने की ज्यादा जरूरत है या ऐसा हमने संदेश देने की कि थोड़ा सा हमने कहीं चेक एंड बैलेंस कर दिया, कहीं हमने नोटा की चीजें कर दी, कुछ सामाजिक चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, रूट कॉज तक आखिर कैसे पहुंचे? देखिए रूट कॉज पे तो ऐसे काम करते करते पहुंचा जा सकता है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी समस्या का हल जी। देश काल और परिस्थिति देखते हुए करना पड़ता है। ये कंपल्सरी वोटिंग की बात भी ठीक है, सुझाव अच्छा है और जनता के पास वापस बुलाने का अधिकार तो निश्चित रूप से होना चाहिए अपने वो क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं वो, जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट का होता है तो प्रिंसिपल कभी भी अपने अभिकर्ता को एजेंट को वापस बुला सकता है। ऐसे ही अगर आप ये माने कि ऑफर एक्सेप्टेंस की बात होती है कि एक नेता कहता है ऑफर करता है कि मैं आपकी जनसेवा करूंगा और वो सेवा ठीक नहीं कर रहा है, हमने तो मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिया वोट दे दिया लेकिन नहीं कर रहा है तो हम वापस बुला सकते हैं क्योंकि सर्वोच्च तो शक्ति जनता में निहित है। और एक और भी चीज हो सकती है जिसकी बात चलती रही है कि स्टेट फंडिंग हो जाए, स्टेट फंडिंग होने से ये जो मनमाने खर्चे हैं वो रुक जाएंगे और जो लुभाया जाता है कई तरीकों से वो उस पर शायद कुछ रोक लग सके। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जस्टिस माथुर अंतिम सवाल लेकिन बड़ा अहम सवाल जो इस पूरे बहस की शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि संतुलन फिर कैसे बने अदालत में भी, संसद में भी, इलेक्शन कमीशन के बीच में भी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सब जगह से आकर अटक किया गया है कि संतुलन कैसे बनेगा। आप क्या देखते हैं कि इस पूरे मसले का हल भी हो जाए और संतुलन भी बना रहे, सभी संस्थाएं अपने अपने दायरे में रहकर इस मसले का हल ढूंढते हैं? देखिए जितने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं अब तक और बड़े मटेरियल हुए हैं उसमें सबको मालूम है कि 21 साल से एज जो है वो घटा के फिर 18 ईयर्स वोटिंग की कर दी गई जी। डिफरेंट वो है मैं उनको कहाँ तक गिनाऊं, लेकिन ये ज्यादातर इसमें जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं वो जुडिशरी के इंटरवेंशन से या जुडिशरी के इंटरेस्ट लेने से इनिशिएशन से तभी हो पाए जी। इस मैटर में भी क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ जरूर कुछ जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें कुछ ऐसा होगा जो लोगों की उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं जो लोगों की उसके हिसाब से होगा जी। चाहे ये इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू करने का हो या गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी टाइप की वो हो, लेकिन कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट इसका वे आउट निकलेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन भी यही है और इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए। बिल्कुल। और आम पब्लिक व्यू भी इसके हिसाब से ही है, उसका भी नोटिस जुडिशियल नोटिस तो लेते ही लेते हैं सब लोग के। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद में डेफिनेटली हम लोग उम्मीद करते हैं हम कभी दोबारा मिलेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और इस पूरे बहस के दौरान कम से कम एक बात तो साफ हुई कि आने वाले दिनों में हमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेरणा होगी, संसद का क्रियान्वयन होगा और इलेक्शन कमीशन का एक्शन होगा और सब कुछ मिलाकर फायदा हम 125 करोड़ भारतीयों को होने वाला है। तो चलिए आज की बहस में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि अब बहुत जल्द हम बहुत स्वच्छ राजनीति भी देखेंगे और अपने देश की जो राजनीति है बहुत बदल जाएगी और उस बदलाव का सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। इंडिया लीगल में अगले हफ्ते एक नई बहस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक जुड़ी रहिए एपीएन से। नमस्कार।